हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। सर, एक ऐतिहासिक फैसला आया है, 370 जो जम्मू कश्मीर में लागू था उसको हटाया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार पांडे और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए भी और ये बोलते हुए, बल्कि मुझे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जनता के अंदर एक अजीब सी लहर और उमंग है कि जो 370 धारा हटाया गया है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। और ये सच जो हमेशा एक नारा रहा है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मुझे आज जो मोदी जी हर कदम पर आप देखिए इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं, हमारे अमित भाई शाह उन्होंने जिस तरह से सारी चीज़ों को सारे मतलब एविडेंस को इकट्ठा करके और किस तरह से उन्होंने मतलब अपनी बात को रखा है संविधान के अंदर और सारी चीज़ें हुई हैं, ये एक बहुत कमाल की रणनीति है, बहुत खूबसूरत बात हुई है हिंदुस्तान के लिए। जैसे कि एक हिंदुस्तान, एक संविधान, एक कानून हर इंसान पर लागू होना चाहिए। आज गर्व से मैं कह सकता हूँ कि हमने जो वोट दिया था, जो हमने वोट दिया था, सच ये है कि मोदी जी को देख कर वोट दिया था, मोदी जी के नाम पर वोट दिया गया था, वो आज सार्थक रहा और दिल से प्राउड हो रहा है कि हमने अपने वोट का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं किया, गलत जगह नहीं किया, सही जगह इस्तेमाल किया था, जिसके लिए आज पूरा देश खुश है, झूम रहा है। और बहुत सारे लोग अभी भी विरोध में हैं इस बात से कि इतनी जल्दी क्यों, इसको नहीं हटना चाहिए, तो अब मैं कह रहा हूँ वैसे भी देश की जनता ने अपना मत अपने वोट को देकर ये बता दिया था कि वो कितने समर्थन करते हैं मोदी जी का। तो उस कड़ी के अंदर अगर जो लोग इसके विरोध में अभी भी हैं, मुझे लगता है कि दोबारा से देश की जनता को फिर से जागना चाहिए और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए जो आज भी अपनी रणनीति, अपनी पार्टी की बातें करने के चक्कर में एक इतने बड़े जो 70 सालों में जिस चीज़ को नहीं हुआ था, अभी तक नहीं कर पाए थे लोग, वो एक विधा टूटी है। अपने ही देश के अंदर हम अलग अलग थे, हमारे लोग, मैंने फिल्म बनाई थी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, उसमें बहुत सारे कश्मीरियों को मैंने बुलाया था काम के लिए, शूटिंग के लिए, मैं मंडावा राजस्थान में शूटिंग किया था, मैंने वहाँ बुलाया था और वो लोग बोलते थे कि साहब हम लोग तो चाहते हैं काम करना, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्यों अलग समझते हैं लोग। आज उन सबको मोदी जी ने एक कर दिया, एक हिंदुस्तान कर दिए, इसके लिए दिल से बीजेपी और हमारे मोदी जी, अमित भाई शाह और जितने लोग जुड़े हुए हैं इस विधा से, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और बस यही कहूँगा कि ये वोट का जो पावर रहा है वो हमेशा लोग देते रहे हैं, लेकिन समझने वाला व्यक्ति एक ही आया है। अब तक लोग कहते थे कि मसीहा है, अब सबको लगने लगा है और अब दिखाई भी पड़ रहा है कि वाकई हिंदुस्तान का मसीहा आ गया है। मैं कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं 4-5 साल पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, एक जब मोदी जी पहली बार आ रहे थे तब, उसके बाद जब नोटबंदी हुई थी तभी भी, कि मोदी जी ने जब भी कोई कदम उठाया है बेहतरी के लिए उठाया है, हम सबको सब्र के साथ उनका साथ देना चाहिए और आज उसके नतीजे इतनी खूबसूरती से दिखाई पड़ रहे हैं। इस देश को और आगे जाना है और इसको और फिर से सोने का चिड़िया बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से साधुवाद हमारे मोदी जी को इतने बड़े कदम के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.